अलवर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका शुक्रवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने नगर विकास न्यास का निरीक्षण किया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के हॉस्टलों का निरीक्षण किया। साथ ही हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता और शौचालय में साफ सफाई, रहन सहन का जायजा भी लिया। उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप राका काला कुआं स्थित दिव्यांग एवं विमदित गृह पहुंचे, जहां भी उन्होंने संस्था में बच्चों की पढ़ाई और रहन सहन और खान पान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित हॉस्टल और संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया, जहां सभी व्यवस्थाएं ठीक थी, वहीं सभी को निर्देशित भी किया गया हॉस्टल की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हो और यहां पर रहने वाले छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता का खाना उपलब्ध हो। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर मौजूद रहे। आज विभाग के जो छात्रावास बना हुआ है अलवर में, उसका निरीक्षण किया था, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। यहाँ के जो अधीक्षक है, वार्डन है, उनसे इनके बारे में पूछताछ की। जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसका अवलोकन किया, उसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा की। इसके पश्चात एक विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा जो एक अनुदानित संस्था है, जो दिव्यांग बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, उसका भी निरीक्षण किया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, जिला कलेक्टर से भी अलग से बैठक की, उनसे भी चर्चा की। मुख्य रूप से आज के दौरे पर ही